हेलो, माई साइड देवेंद्र सिंह सर, और आज मैं डिस्कस करूंगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक्चुअली बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो प्रपोज किया है वो प्रपोज किया है लीनियस पॉलिंग ने, राइट? और इसका जो मेन एजेप्शन है ना, जहाँ सारी थ्योरी खड़ी है जिस स्पेस पे, वो ये है कि लाइगेंड के पास लोन पेयर होता है और वो मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक, ये इस थ्योरी का मेन पॉस्टुलेट है। सारी की सारी थ्योरी इसी कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूमेगी आपकी। चलिए अब मैं इसको क्वेश्चन के जरिए सिखाता हूँ। मुझे लगता है कि आप इस चैनल पे यदि फर्स्ट टाइम है तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि आप जितना यहाँ सीखेंगे शायद इतना आपने थ्योरी पढ़ के भी नहीं सीखा होगा जितना यहाँ आप सीख जाएंगे। और दूसरी बात यह कि चैनल आपको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हम इस प्रकार की वीडियो आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हमारा एक उत्साह बढ़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट हैव D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन? ओके, D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इनर हाइब्रिडाइजेशन, राइट? और ये इनर हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये तब होता है जब लाइगेंड्स SFL जो होता है, लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स जैसे कि, अच्छा, अब दूसरा ऐसा कि बच्चों को क्वेश्चन है सर, SFL यदि नहीं हो तो, या फिर उसके पास D2 बिल्कुल खाली होनी चाहिए। देखिए, जैसे यहाँ क्रोमियम है, अब जो क्रोमियम आपके पास है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आ जाएगा आर्गन 18, राइट? और ये हो जाएगा 3D3, राइट? इसके पास तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है और वो तीनों इलेक्ट्रॉन इसके T2G में आ जाएंगे और ये दो ऊपर की खाली हो जाएगी और ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगी, तो इसका हाइब्रिडेशन D2SP3, यानी कि 3D एंड दिस इज 4S जो खाली है एंड दिस इज 4P और इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2SP3। बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर बेटा, अब बच्चे कह रहे हैं सर इस केस में भी आप देखेंगे यहां Fe+3 और इसका आंसर आ जाएगा 3D5। 3D5 का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स यहाँ पर है, कौन है आपका? साइनाइड। तो यहाँ पांच इलेक्ट्रॉन ऐसे और इसमें भी 2D खाली हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी D2SP3 होगा। कोबाल्ट, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ बेटा, कभी ज़्यादा क्वेश्चन, कोबाल्ट प्लस थ्री के सभी हाइब्रिडाइजेशन D2SP3 होते हैं। सिर्फ एक जगह एक्सेप्शन है इसका, वो है कौन? वो एक्सेप्शन है COF6-3 और इसका हाइब्रिडेशन SP3D2 होता है, तो इसका मतलब है इसका भी यही होगा। बिल्कुल सही बात होगा, D2SP3। ठीक है, और एक अब हमारे पास, ठीक है, अब ये तो मैंने कोबाल्ट प्लस थ्री की बात करी, किसकी बात की मैंने? कोबाल्ट प्लस थ्री। अब कोबाल्ट टू, हाँ, कोबाल्ट टू में ये हो जाएगा, सॉरी, कोबाल्ट टू 3D7। अब 3D7 यदि 3D7 है तो इसका मतलब है कि ये वीक फील्ड लाइगेंड भी है। बिल्कुल सही बात। यदि मान लिया जाए ए दिस वीक फील्ड लाइगेंड, ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन ए, तो इसका मतलब तो साफ है, इसका मतलब तो बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब समझ में आ रहा है क्या कि हमारे पास इसमें कोई डी थ्री डी में, तो यानी कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? SP3D2 होगा, तो हमें इसका आंसर यही देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर दो में निकल, देखो बेटा, निकल वाटर एक वीक फील्ड लाइगेंड्स है और वीक फील्ड लाइगेंड्स में निकल प्लस टू सिर्फ और सिर्फ एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करता है यहाँ 3D8 का। ये आ गया, बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसका मतलब है यहाँ 4S खाली है, बिल्कुल खाली है, 4P खाली है, बिल्कुल खाली है, और 4D बिल्कुल ही खाली, राइट? तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा अब वो कौन सा होगा बेटा? दिस इज SP3 और यहाँ D2, तो मुझे इसका आंसर देना चाहिए दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? क्वेश्चन नंबर तीन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। चलिए, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए तो इसको तो आप वैसे ही कैंसिल कर दें। चलिए, अब आंसर आपका इनमें से कहीं छुपा हुआ है।
इसके बाद जो सी यू है, सी यू प्लस टू, देखो बेटा सी यू प्लस टू, सी यू प्लस टू है और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D9 4S0। बिल्कुल सही जवाब है आपका। यानी कि इसमें यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मुझे तो साफ सुथरे ढंग से समझ में आता है कि 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे, ए बिल्कुल। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड्स है, स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड्स है और स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड्स की प्रेजेंस में इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस हो जाएगा, जिसे कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ये पार्टिसिपेट, तो इसके अंदर क्या होगा, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर खाली हो जाएगी और ये तो होगा 3D और एक 4S0 और 4P0 4PY0। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, DSP2 यानी कि स्क्वायर प्लेनर। ए ये तो इसका सही आंसर है ही। इसके बारे में देखें, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है SP3 आता है टेट्राहेड्रल और ये भी टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि जो Cl है, जो Cl है चार कोऑर्डिनेशन नंबर है और Cl एस वीक फील्ड लाइगेंड्स है, तो 3D5 Mn+2 Mn+2 का 3D5 और 3D5 में कोई भी डी खाली नहीं, तो SP3 है। तो आंसर, दिस इज दी करेक्ट आंसर, राइट। तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन तो आपको ठीक से समझ में आ रहे होंगे, लेकिन कमेंट्स नहीं आप लिखते हैं, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको दिक्कत यदि आती है तो यदि आप उस चीज़ को पूछते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी तो चीज़ें ये है कि आप लोग जब सीखते हैं, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें समझ में आती ही हैं, और यदि आप समझने ही की कोशिश ना करें तो बेटा फिर तो मैं क्या आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। यदि सीखना है तो सीखने की पहले, सीखने से पहले सीखने की चाहत होनी चाहिए, थ्रस्ट होनी चाहिए। आपके अंदर वो थ्रस्ट ही नहीं है तो भैया फिर जैसे मैं सिखाऊं या कोई और सिखाए या बुक सिखाए या कोई टीचर स्कूल में पढ़ाए, वो सब आपके लिए बेकार है। क्योंकि मेरा मानना है कि पढ़ाई, एजुकेशन, जब हम बच्चे कोई चीज़ लर्निंग जो होती है वो थ्रस्ट से होती है। यदि थ्रस्ट है तो फिर आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी है। थ्रस्ट नहीं है, सीखने की प्यास नहीं है, तो भैया फिर आपको कोई सिखा ही नहीं सकता। उसमें आप YouTube खोलें या कोई और खोलें या कुछ और, फिर आपका सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। सीखना है तो प्यास होनी चाहिए, और प्यास नहीं है और बेवजह आप वीडियो को, तो उससे अच्छा है कि आप वीडियो बंद करके कोई मूवी देख लें। चलिए बेटा, ओके। अमंग दी फॉलोइंग स्पेसिस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, मैं बेटा एक चीज़ आपके सामने कहना चाहता हूँ, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, मैंने आपसे हमेशा ये कहा है पी डी और पी टी प्लस टू और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर चार, बिना सोचे समझे आंसर DSP2 स्क्वायर प्लेनर। तो ये तो स्क्वायर प्लेनर होगा ही होगा, ये तो कन्फर्म है। यदि ये कन्फर्म है दो आंसर काट दो, ठीक है। चलिए अब आंसर थर्ड देखते हैं। अब बेटा थर्ड तो यदि आप देखें तो थर्ड में Ni+2 बेटा कुछ नहीं करना, 3D8 है। बिल्कुल सही बात है, 3D8 है बेटा। यदि ये 3D8 है ना, 3D8 है और वीक फील्ड लाइगेंड्स है, तो फिर तो बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल साधारण है, कुछ सोचना बहुत बड़ा। ये बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 3D ने पार्ट, तो अब यहाँ 4S खाली है, ओके 4P पूरा खाली पड़ा हुआ, तो ये हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, SP3, ये तो टेट्राहेड्रल हो गया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो अब फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट ASF4। अब SF4 भी देख लेते हैं। चलिए अब SF4 के अंदर क्या होगा बेटा, SF4 में ये सल्फर है, सल्फर के पास एक लोन पेयर, चार बॉन्ड पेयर हैं और ये स्ट्रक्चर होगी स्क्वायर पिरामिडल। ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी, स्क्वायर पिरामिडल, ये भी आंसर नहीं है। चलिए XCF4 में दो लोन पेयर, चार बॉन्ड पेयर, ये इसका स्थिति है, ओके। तो इसके पास स्क्वायर प्लेनर इज दी करेक्ट आंसर, दिस इज दी करेक्ट आंसर। तो ये भी आंसर सही है, तो ये कौन सा आंसर हो गया, दिस इज दी करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए
इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सीआर, देखो एक बात याद रखना, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीआर यानी कि कार्बोनाइल में और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हमेशा ईएएन रूल फॉलो होता ही है, कोई सोच विचार ज़्यादा मत रखिएगा। चलिए, सीआर का ऑक्सीडेशन जीरो, तो ये हो गया 3D। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो सीआर का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिग्रेशन है, एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाएगा 3D6 4S0। ओके, और ये जो 3D6 है ना मेरे बेटा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि 6 कार्बोनाइल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग SFL है। यदि ये SFL है तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे, ये आ गया। तो दिस इज दी 3D4S4P D2SP3, दिस इज दी करेक्ट आंसर, राइट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जब मैं आता हूं, तो यहां पूछा टेट्राहेड्रल शेप। ओके, टेट्राहेड्रल शेप। अब टेट्राहेड्रल शेप किसकी होगी ये तो बताना पड़ेगा। सबसे पहले कॉपर, कॉपर में है क्या बेटा, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है 3D9, ओके 4S0। और मैं आपसे कहता हूँ कि इसके पास ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंट्स है, तो यदि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंट्स है, चलो खैर 9 इलेक्ट्रॉन है, तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फ़िगरेशन तो ये आती। समझने वाली बात क्या है भैया, समझने वाली बात यह है कि एक अनपेयर्ड, और जब एक अनपेयर्ड हो और SFL मौजूद हो, तो भैया इसमें ट्रांसफरेंस हो गई होगा। तो यदि इसमें ट्रांसफरेंस होगा तो ये कहाँ चला जाएगा बेटा, ये तो डी ऑर्बिटल में चला जाएगा, 4D में ये इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। तो यहाँ खाली कौन है, खाली है dx² - y² और 4s खाली है, बिल्कुल सही बात है, 4px0 4py0 ये खाली है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2, बिना सोचे समझे इसका हाइब्रिडाइजेशन आप dsp2 बता दें। ओके ओके, इसका निकल बेटे, इसका 3D8 4S0, क्योंकि यहाँ निकल +2 है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए बेटा कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होते हैं, तो इस केस में हमारा ऐसा इस तरीके से एक फॉर्मेशन इसका हो जाना है, ए ठीक है, 4। चलिए तो 2, 4, 6 और ये 8, ये ऊपर dx² - y² खाली हुए और ये आगे, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, dsp2 होगा। ओके वेरी गुड। इसके अंदर बेटा यदि मैं यहां देखूं तो cu, हाँ बेटा यदि मैं यहां पर देखूं, पहले Ag की बात करते हैं, अब Ag की बात करें तो Ag में भी क्या होगा, Ag का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4D10 5S0, तो यहाँ पे क्या होगा 4 10, तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा 3, तो ये हो जाएगा 8, नहीं हाँ 2 यहाँ से निकलेंगे क्या, और भैया वीक फील्ड लाइगेंड हो इसमें Ag, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बच्चे कह रहे हैं सर ये वीक फील्ड लाइगेंड्स है, अरे भाई बेटे एक बात जरूर याद रखिएगा, और वो याद क्या करना है कि जब बेटा मैं नीचे की तरफ आता हूँ ना, मेरे बेटा एक कॉपर है, Ag है, ठीक है, Au है, नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ जेड इफेक्टिव थोड़ा बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव से बढ़ने से CFSC भी बढ़ जाता है, और CFSC बढ़ने से तो भैया फिर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड बनेगा ही बनेगा, यानी कि जो आपका फ्लोराइड है अब वो उसकी वजह से ये लो स्पिन स्टेट नहीं हो रही, क्योंकि हाई जेड इफेक्टिव यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इसकी लो स्पिन स्टेट हो जाती है। तो जब लो स्पिन स्टेट है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा dsp2, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ये आपका जो है ए दिस कॉपर Cu+1, अब Cu+1 में तो क्या हो जाएगा 3D10, अरे भाई इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इस पर हमें ट्रांसफरेंस का कोई चांस ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा sp3, यानी कि ये टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा डिसेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन भी है,
उसने कहा नो डी इलेक्ट्रॉन, बेटा यहाँ पे क्या है कि आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो ये 7 है, और Mn 7 का मतलब हो जाएगा 3d0 4s0, राइट। और यहाँ कोबाल्ट, कोबाल्ट का है 3d7 4s2, तो यानी कि 3d6 4s0, ओके। उसके बाद आयरन, आयरन में बेटा 3+ है, तो 3+ में क्या लिखना चाहते हो? बड़ा आसान से तो बात है, अरे भाई आसान सी क्या बात है, यानी कि आप 3d6 लिखना चाहते हैं, 3d6 4s2, तो 2s से निकाल दो, 1d से 3d5 हो गया, ओके। यहाँ क्रोमियम का कितना मेरे बेटा 3d3 हो गया। चलिए तो यहाँ भी डी में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो आंसर इज, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट टेट्राहेड्रल, इनमें से कौन टेट्राहेड्रल नहीं है, ओके। देखो बेटा निकिल के साथ ए ये 3d8 कॉन्फिगरेशन हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स हो तो भैया फिर तो उसकी स्प्लिटिंग ऐसे हो जाती है, बिल्कुल सही जवाब है ये। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और ये 3d x²-y² 4s0 4px0 4py0, तो दिस इज dsp2, तो dsp2 का मतलब दिस इज स्क्वायर प्लेनर sp, ये तो स्क्वायर प्लेनर है। और इसके अंदर बेटा यदि आप निकल की बात करें, यहाँ यहाँ तो हाइब्रिडेशन sp3 होता है, मैंने शायद ऊपर भी बताया होगा, नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, एक वैसे तो 3d8 4s2 होता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में 3d10 हो जाता है, 4s0 हो जाता है, 4p भी 0 हो जाता है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ यहाँ क्या होगा, 3d10 4s0 3d10 4s0, तो ये हो जाएगा sp3। यहाँ 3d, हाँ बेटा 3d8, तो 3d8 है वीक फील्ड लाइगेंड्स है, तो यदि 3d8 वीक फील्ड लाइगेंड है तो सोचना ही नहीं, फिर तो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा dsp2, सिर्फ इसका, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है Fe CO 5, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन Fe एंड CO, रिजल्ट द ओवरलैप बिटवीन द फिल्ड sp ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, अच्छा मॉलिक्यूल्स एंड विच हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ Fe। देखो बेटा इसमें ये बात तो पक्की से आपको समझ लेनी चाहिए कि जब इसका हाइब्रिडाइजेशन ये वाला है डी, तो बेटा इसके अंदर कौन सी डी पार्टिसिपेट करेगी, भाई एक इसके अंदर दो है, ए ये वाला जो इसका जो जेड करेक्टर है ये तो आ गया पी जेड से, तो ये वाला जेड करेक्टर कहाँ से आया, ये आएगा डी जेड स्क्वायर से, तो इसलिए इसका आंसर मुझे ये देना पड़ेगा, ठीक है, कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, ठीक। तो अब हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से, यानी कि अब आप मेरी बात को आप ठीक से समझ भी गए होंगे, और मैं चाहता हूं कि आप उस बात को थोड़ा और भी गहराई से समझें, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आपको ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफन रिक्वायर द मेजरमेंट, देखिए बेटा बात सुनो, मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, मैं आपसे कहूँ कि 3d6 है, अब 3d6 की कॉन्फिगरेशन यदि ऐसे है तो कोई अनपेयर्ड नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, और यदि ये 3d6 ऐसे है, ए ऐसे है, ऐसे है, तो ये कितना होगा, √4 × 6, यानी कि √24, इससे 4 अनपेयर्ड। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को समझने का। Fe H2O6, अच्छा ओके, पहले तो मुझे बता दीजिएगा 3d6 हो गया, बिल्कुल सही बात है, और वाटर जो है, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, एक्चुअली बेटा मैं एक छोटी सी बात आपके सामने और यहाँ करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। क्लियर बेटा ये है कि ये जो वाटर है ये वीक फील्ड लाइगेंट है, ठीक है, और वीक फील्ड लाइगेंट जो होता है लो स्पिन स्टेट हाई स्पिन स्टेट फेवर करता है,
तो यदि हाई स्पिन स्टेट है तो हाई स्पिन D6 का हाई स्पिन तो यही हो सकता है, इसके अलावा D का हाई स्पिन हो ही नहीं सकता, कुछ पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो इसका जो, तो यहां पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए, 6, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अच्छा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें 6 हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो और पार्टिसिपेट कौन करेगा इसमें, 4s पार्टिसिपेट करेगा, 4p पार्टिसिपेट करेगा और 4d, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2 और 4 अनपेयर्ड। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, बेटा मैंने तो बच्चों को हमेशा एक ट्रिक बता दी थी कि भैया कोबाल्ट +3 सिर्फ एक ही केस में, ये इस केस में, मैं सिर्फ इस केस की बात करता हूँ, इस केस को छोड़ के हमेशा D2SP3 शो करता है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा टेंशन आपको लेनी ही नहीं है, इसको याद ही रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13, द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटा कार्बोनाइल आयरन, ये अभी तो ऊपर ही क्वेश्चन किया है, तो इसकी शेप कैसी है बेटा, ये ट्राइगनल बाई पिरामिडल इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात आपको ठीक से समझ में आ ही होगी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, ये टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल टेट्राहेड्रल है, कोई सोचने वाली बात नहीं। ये बेटा, ये यदि आप देखें तो निकल जो है इस केस में, ये एक वीक फील्ड लाइगेंड्स है, ये भी एक वीक फील्ड लाइगेंड्स है, तो यदि वीक फील्ड लाइगेंड्स है तो वीक फील्ड लाइगेंड में निकल 3D8 जो होता है वो ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दो, ये कॉन्फिगरेशन, तो इसमें भी 4, तो इसमें भी हाइब्रिडेशन sp3 टेट्राहेड्रल ही होगी, और निकल के अंदर कैसे होगी, ऊपर मैंने क्वेश्चंस कराए, तो इनका दोनों ही बोथ आर द टेट्राहेड्रल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट दिस सीओ इज करेक्ट, इनमें से कौन सी बात FeCO5 के लिए बिल्कुल सही है। देखिए बेटा एक बात सुनो, FeCO5 की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D6 4S2, ये तो आयरन की है, आर्गन है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में होगा 3D8, और 3D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, 3D8 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, तो भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में तो आपकी एक अनसिमेट्रिकल फॉर्मेशन हो जाती है, ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। दो इलेक्ट्रॉन और ये दो, और ये D(Z)² खाली है, तो इसके पास कोई अनपेयर तो है नहीं, बिल्कुल सही बात है, कोई अनपेयर नहीं, और लो स्पिन है, बिल्कुल लो स्पिन है, और D(Z)² यानी कि हाइब्रिडेशन इसका हो जाएगा DSP3, बिल्कुल सही, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बेटा मैं 16 नंबर क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा अच्छे से मैं एक बार बता देता हूँ ताकि आप मेरी बात को समझ लें। MnCl4 हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसमें नॉट ट्रू। देखो MnCl4 यानी कि Mn पर +2 यानी कि 3D5, और यदि 3D5 है ना, तो भैया चाहे लो स्पिन हो चाहे हाई स्पिन हो, सोचने वाली बात ही नहीं है, हाई स्पिन हो या लो स्पिन हो, अन पैरामैग्नेटिक तो होना स्वाभाविक है, तो पैरामैग्नेटिक, और क्योंकि ये हाई स्पिन है तो इसलिए भैया कुछ सोचने की बात नहीं है, ये तो इसका हाइब्रिडेशन sp3, डी ने तो पार्टिसिपेट नहीं करना, sp3, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट। इसके बाद ये बेटा Mn यानी कि यहाँ इनर हाइब्रिडाइजेशन होगा या आउटर, तो ये बात तो पक्की है बेटा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 5 अनपेयर्ड है, और D2SP3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, D2SP3 और एक अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक तो पक्का है। इसके बाद ये CuCl यानी कि Cu+2, यहाँ भी एक अनपेयर्ड तो है, अब पैरामैग्नेटिक पक्का है, तो Cl वीक फील्ड लाइगेंट्स है, अब यदि ये वीक फील्ड लाइगेंट है तो 3D9, कोई ट्रांसफरेंस तो होना नहीं है, तो S और 3P, तो sp3 हाइब्रिडेशन, एक मिनट, तो इसका टेट्राहेड्रल होना चाहिए, और ये अच्छा ये स्क्वायर प्लेन लिखा, तो ये बात तो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। इस तरीके से यदि ये देखें तो ये स्टेरिक नंबर 5 है, तो अब आपका निकल वीक फील्ड लाइगेंड्स हैं, तो वीक फील्ड लाइगेंड्स में तो निकल का 3D8 पे 2 अनपेयर्ड आते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही बात दिखी है, और इसका पार्टिसिपेट इसे करना नहीं है डी को, तो ये होगा sp3d, तो ट्राइगनल बाई, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन सारे आपको मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाए हैं, और आपको समझ में भी आए होंगे, और फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो बेटा चैट बॉक्स तो आपके सामने है, उसमें लिखिए और उसके, ठीक है, तो ठीक है, ये हम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल,
और एक नए सॉल्यूशन के साथ। बने रहिएगा इस चैनल के साथ, ठीक है, और इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे आप IIT में सेलेक्ट होंगे ही। ओके, थैंक यू।